स्वर्णिम संसार के लिए हम सभी के हस्तों में दिव्य ज्योति ठीक ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिवान परमात्मा का स्मृति चिन्ह और मुझ स्वयं के अंदर विराजित दिव्य ऊर्जा का स्मृति स्वरूप हम सभी के हस्तों में दिव्य ज्योति है जो हम सभी को एक पथ प्रदर्शित कर रहा है एक मार्ग की ओर अग्रसर होने की दिव्य प्रेरणा प्रदान कर रहा है हम सभी को अनवरत गति से आगे बढ़ते नहीं आ जाता तब तक कदम थमे नहीं आगे बढ़ते ही जाना है यही संकल्प यह दीप हम सभी को याद दिला रहा है। अभी के दौर में मीडिया जब मीडिया बन जाता है जो जितना बड़ा स्वरूप है जो जितना शक्तिशाली स्वरूप है जिसका जितना बड़ा दायरा है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है उसकी उतने बड़े लाभ हैं और उसके उतने ही बड़े नुकसान भी हैं। ब्रह्म कुमारी जिस मूल क्षेत्र में काम करते हैं हम अगर उसी का उदाहरण लें कि मनुष्य और मनुष्य का मस्तिष्क समग्र ब्रह्मांड से बहुत व्यापकता से और बारीकी से जुड़ा हुआ है और इतना शक्तिशाली एक मस्तिष्क है जो प्रकृति के रहस्य को खोलने के लिए सतत विभिन्न माध्यमों से सदियों सहस्रों सालों से लगा हुआ है और वो पा भी रहा है पहुंच भी रहा है विज्ञान के जरिए भी और ज्ञान के जरिए भी इतना शक्तिशाली मस्तिष्क है मनुष्य का जो जितना शक्तिशाली वो उतना लाभप्रद वो उतना जिम्मेदार वो उतना ही हानिकारक। तो लाभप्रद और जिम्मेदार तो हम कर भी लें लेकिन हानिप्रद ना हो इससे बचाने के लिए ऐसी आध्यात्मिक शक्तियों की आवश्यकता होती है और ऐसी आध्यात्मिक फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है और ऐसी आध्यात्मिक चेतनाओं की आवश्यकता होती है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो जिस कार्य के लिए मूलतः कंपोज जिस कार्य के लिए मूलतः उसका निर्माण हुआ है वो वही कार्य करे विध्वंसक ना करे। सृष्टि में संसार में अनेक अनेक उदाहरण ऐसे हैं जहां मस्तिष्क से आध्यात्मिक चेतना समाप्त होती है और आध्यात्मिक चेतना समाप्त होते ही जिस रूप और स्वरूप में मनुष्य प्रकट होता है वो बड़ा विध्वंसक और विनाशक होता है चाहे वो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से रावण हो कंस हो या दूसरे और दैत्य दानव हो या दूसरे धर्म विधान के हिसाब से जिसको बहुत साधारण शब्दों में शैतान बोलते हैं शैतान हो या वे जो ईसा को ना मानते हो या अच्छी बातों को ना सुनते जानते समझते हैं इन सब का जो डिसगवर्नेंस जो हुआ जो इन सब का जो नियंत्रण समाप्त हुआ वो आध्यात्मिक चेतना की शून्यता से हुआ है कि हम सतत चिंतनशील रहें सतत प्रगतिशील रहें और इसके मूल में अगर हम इतना सिर्फ समझ लें जितने भी हम मीडिया के साथी हैं अगर हम इतना सिर्फ मान लें और जान लें और ठान लें तो हमारा जीवन भी सुधरे प्रोफेशन भी सुधरे कि हमारा हर काम एक उस व्यक्ति के कल्याण उस जीव के कल्याण के लिए होना चाहिए जो हमारे दायरे में है या हम उसके दायरे में हैं। हम इतना सिर्फ सूत्र बांध लें तो खुद ब खुद चीजें संभलती जाएंगी संवरती जाएंगी। अभी का जो दौर है जब हम बात करते हैं मीडिया की जो एफिशिएंसी है जो भूमिका है उसको पिछले 18-20 साल में लगातार बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है विभिन्न मंचों पर इस बात का बड़ी व्यापकता से डिस्कशन है कि मीडिया पर प्रश्न है और मीडिया को कटघरे में बारंबार खड़ा किया जा रहा है। मुझे व्यक्तिगत तौर पे इसका एक ही कारण लगता है कि हमारी जो एंट्रेंस प्रोसेस है प्रवेश प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम लोगों ने कोई गेट चेक नहीं लगाए हैं। एक दूसरी बात कि पूरे जो स्वरूप है माध्यम का चाहे वो समाचार पत्र हो बूढ़े दादाजी चाहे वो नौजवान टेलीविजन हो चाहे वो उनकी पत्नी डिजिटल माता हो चाहे उनके बच्चे रेडियो वगैरह हो ये पूरी जनरेशन पूरी फैमिली है मीडिया की ये पूरी फैमिली का जो एंट्रेंस चेक है वो ठीक नहीं है एक बात। दूसरी इसका कोई फॉर्मल आइडेंटिफिकेशन औपचारिक रूप से जिसकी पहचान समग्रता से होनी चाहिए
और उतने सम्मान के साथ और उतने जिम्मेदार भाव के साथ होनी चाहिए, उतनी नहीं हो पाती। माफी चाहूंगा, लेकिन सत्य ये है कि जितना भी मीडिया का महिमामंडन हुआ, पत्रकारों ने ही किया, स्वयं ने समाज से या दूसरी हमारी जो एक्शनरी ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो शासन हो, चाहे विधायिका के जो प्रक्रियागत राजनेता हो, किसी ने आपको बहुत रिकमेंड किया है, आपको आपका आपकी पहचान को पूर्ण रूप से माना नहीं, खारिज करने की कोशिश करते रहते हैं, वो आपसे दूरी बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो जब ये एक औपचारिक रूप से जब एक संचार और संवाद नहीं होता, तो औपचारिक रूप से संचार और संवाद जो होता है उसमें उग्रता भी हो सकती है और उसमें घुसपैठिया बल भी हो सकता है। यही वजह होती है कि फिर जर्नलिस्ट जो है जबरदस्ती खबरें सूचनाएं निकाल रहे होते हैं, परिश्रम कर रहे होते हैं उसके लिए, और उस सूचनाओं को निकालने की जो प्रक्रिया हो रही होती है उस दौरान बहुत सी असहमतियां होती हैं, फिर असहमतियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो एक समय आता है ना तो यहां से लोग सोचते हैं ना वहां से लोग सोचते हैं, और फिर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है दोनों का एक दूसरे का। तो कहने का इन शॉर्ट यही तात्पर्य और तत्व हो, जैसे जुडिशरी को एक सर्टन, जयसवाल जी ध्यान चाहूंगा दीक्षित जी, कि एक सर्टन बजटरी, एक सर्टन नियमावली, एक सर्टन सिस्टम बना करके जुडिशरी को हो जाता है, और जुडिशरी पूरी तरह से जो औपचार हम अभी तक देखते आए हैं, इन्फ्लुएंस तो कोई भी हो सकता, मनुष्य चेतना सब जगह ईमानदार और बेईमान बैठे हैं, परंतु एक मोटा मोटी जो दिखता है कि जुडिशरी पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस नहीं हो पाती है या किसी दूसरे मीडियम से इन्फ्लुएंस नहीं हो पाती। आमतौर पर मैं एक्सेप्शनल्स की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु वो इसलिए नहीं हो, जबकि उनकी जो पोषण जो सोर्स है वो सरकारी होती है, बावजूद इसके नहीं हो पाती है, तो क्यों ना एक मीडिया का भी एक ऐसा माध्यम कोई खड़ा किया जाए जो स्वतंत्र हो, लेकिन जिसके पोषण की जिम्मेदारी वो किसी ऐसे माध्यम से हो, जो कर्मी और कर्मचारी की बात अभी इस आर्टिकल मनोज जी के जरिए जायसवाल जी ने उठाई थी, इसमें बहुत सी चीजें बड़ा अच्छा लगा, बहुत से मैं अभी हेडिंग पढ़ पाया हूं, लेकिन बड़ी सीधी सपाट सरल और अच्छी और बहुत फॉरवर्ड बातें रखी और कही गई है। जैसे एक आर्टिकल था श्रद्धांजलि वाला, श्रद्धांजलि पर रोना पीटना की बजाय जिस आदमी ने जो किया उसके बारे में जरा सोचा जाए, जो गया उसको गया, जो आया सो आया, बहुत संवेदना के साथ उसको नमन करके, लेकिन जो उसने किया उस पर भी बात होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा सिस्टम भी खड़ा किया जा सकता है इसी देश के अंदर, और हो सकता है कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी हो, लेकिन उसका पोषण बाहर से हो। जब पोषण बाहर से होगा, पोषण किसी एक माध्यम से होगा, तो जो विडंबनाएं माध्यमों में आ रही हैं वो नहीं आएंगी, जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, जो उनको उनकी घेरेबंदी हो रही है, किलेबंदी हो रही है और उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, वो संभवतः उस पर रोक लगेगी, क्योंकि उसका जब पोषण आ रहा वो होगा, और जब ऐसा सिस्टम होगा फॉर्मल, तो उसका एंट्रेंस भी चेक पोस्ट के साथ फॉर्मल होगा, और उसमें आएंगे भी वही लोग जो वास्तविक जर्नलिस्ट हैं। एक सवाल उठाकर नहीं आ जाएगा। आज एक बड़ी अच्छी खबर मैंने पढ़ी कि केंद्र सरकार एक आरएनआई के रूल्स को भी रेगुलेट करने जा रही है और नया एक्ट लेके आ रही, बड़ी खुशी की बात है, वेलकम करना चाहिए, हालांकि देखना चाहिए क्या चीजें उसमें सही है क्या गलत, उन पर बात होनी चाहिए, परंतु होना जरूर चाहिए, गवर्नेंस तो बहुत जरूरी है। हम स्वयं नियंत्रण कर सकते तो पिछले 80-90 साल में कर भी लेते, नहीं कर सकते तो हम किसी से करवा लें, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन तो बेकाबू एक टीम के बीच में बेकाबू अनियंत्रित डीओ के बीच है, जहां पर ऐसी विडंबनाएं आती ही हैं, क्योंकि जो स्थितियां बनी हुई हैं देश भर के अंदर, बात बात पर सवाल, उसमें थोड़ा सा टेलीविजन का रोल ज्यादा है, क्योंकि वो तत्काल चीजों को छोड़ देते हैं, उसके बाद उसको रिवाइंड बैकअप करते रहे अलग बात है, लेकिन तत्काल छोड़ करके थोड़ा सा ये घटनाएं हो गई है। बहरहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर।